गबर 1966 मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर उन्नीस में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस रही है ये एक मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है ये फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद 1928 के की ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमानाथ और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते रमानाथ की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोहरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानी गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त है जल्पना के रूप में साधना है जोर अजान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की माँ के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा है कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है रहमान रतन के रूप में है पी कैलाश वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर राज जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत है आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तो उसको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन बरसे से नया लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सातवा गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ 25 मई हजार भारतीय मेंता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमाली जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही हैं। सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ है। ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे है इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इनकी जीवन साथी नरगिस सिस्की जिनसे इन्होंने उन्नीस में विवाह किया था मृत्यु उन्नीस सौ में

इंसान जाग उठा सुझा मुझे जीने दो गुमराह सहीद कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा प्राण जाए पर वचन न जाए नागिन जानी दुश्मन मुकाबला और शान शामिल है उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता तो संजय दत्त के पिता है उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के पूर्व सैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द झेलम जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके प्र... पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा बिड़ लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तब पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वे अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रातः चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वहाँ बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया <laughs> और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन में नौकरी की उन्होंने उन्नीस के इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन के हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिर रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज शाहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्क्रीन नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने 1957 की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुशेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के मेकिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी ऐसा माना जाता है कि दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए भीषण आग का सामना किया और इस तरह उनका प्यार जीत गया उन्नीस सौ अट्ठानवे शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई आ, दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे दद 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे ने अपनी नई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बी आर चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह वक्त और हमराज जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनीश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन कामित का, का निर्माण किया जहां उन्होंने अपने भाई विनोद खन्ना दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर रुका हुआ था और एक असफलता के बीच में उन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर की फिल्म ज्वाला में मधुबाला के नायक की भूमिका निभाई जो एक विलंबित फिल्म थी जिसका निर्माण 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुबाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से सुर्खियों में ला दिया मदर इंडिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर उन्नीस मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर उन्नीस में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जय किशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ाई यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस रही है ये एक मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस के ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमा और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमा नाग की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री प्रशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा हैं कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जीप रहमान रतन के रूप में है पी के राज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर रात जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत है आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तुझको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन बर से नया लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सातवा गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ 25 मई 2005 में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ है ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विवाह किया था मृत्यु उन्नीस में हुई थी इनके तीन बच्चे जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल है रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है आलमा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही हैं पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जाग उठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह शहीद के सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा जाए पर वचन न जाए नागिन जानी दुश्मन मुकाबला और शान शामिल है उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के पूर्व सैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा बड़कने लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वह अपनी माँ कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रात चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के, के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन में नौकरी की उन्होंने उन्नीस के इतिहास में बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन के हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज शाहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीम नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल बेटे की भूमिका इस फिल्म के के मेकिंग दौरान पर आग लग शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे द 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे ने अपनी नई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बी आर चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह वक्त और हमरा जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनेश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन का, का निर्माण किया जहां उन्होंने अपने भाई दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर रुका हुआ था और एक असफलता के बीच में उन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर के फिल्म ज्वाला में मधुबाला के नायक की भूमिका निभाई जो एक विलंबित फिल्म थी जिसका निर्माण 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुबाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से में लादिया मदर इंड और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर 1966 मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जय किशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस रही है ये एक मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ की ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमानाथ और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमानाथ की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जौहरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गए जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियां उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजहान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री प्रशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा है कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जी रहमान रतन के रूप में है पी के राज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत है आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तुझको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से नया लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सात गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ और 25 मई सन 2005 में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही है सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राजनीतिज्ञ दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इनकी जीवन साथी नरगिस सिस्की जिनसे इन्होंने उन्नीस में विवाह किया था और मृत्यु 1981 में हुई थी इनके तीन बच्चे जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल हैं रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है आलमा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही है पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जागरुठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह सही कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा प्राण जाए पर वचन न जाए नागिन जानी दुश्मन मुकाबला और शान शामिल है उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के बूसैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द झीलम जिला पंजाब प्रांत में ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा बिड़ लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वे अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रातः चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के, के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन्स में नौकरी की उन्होंने उन्नीस तो के इतिहास में बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन के हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज शाहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्क्रीन नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने 1957 की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुशेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के मेकिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी ऐसा माना जाता है कि दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए भीषण आग का सामना किया और इस तरह उनका प्यार जीत गया उन्होंने उन्नीस सौ शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे द 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे उन्होंने अपनी नई सफल फिल्मों में ही अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुझा था मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बी आर चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह वक्त और हमराज जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की, की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनेश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन कामित का निर्माण किया जहां उन्होंने अपने भाई

1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुबाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से सुर्खियों में ला दिया मदर इंडिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के फोम का में उन्हें फिर से गबर उन्नीस मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर उन्नीस में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस सौ छियासठ रही है ये एक सौ उनहत्तर मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ के ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमा नाग और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमा नाग की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपने चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री प्रशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा हैं कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जी रहमान रतन रूप के, के रूप में है पी कैलाश वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर रात जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत है आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तुझको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से नया लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सातवा गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ 25 मई सन दो में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही है सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ है ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिनसे इन्होंने में विवाह किया था मृत्यु उन्नीस में हुई थी इनके तीन बच्चे जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल है रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है आलमा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही हैं पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जागरूठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह शहीद के सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा प्राण पर वचन न जाय नागिन जानी दुश्मन मुकाबला ओ शान शामिल हैं उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के पूर्व सैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द झीलम जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा बढ़ने लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव बंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वह अपनी माँ कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रातः चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन में नौकरी की उन्होंने उन्नीस सौ चौवन के इतिहास में बी ए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन के हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिर रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज शाहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीम नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के मेकिंग के मेकिंग दौरान सेट पर आग लग शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई आ, दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे दत्त 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे उन्हें अपनी कई सफल फिल्मों में एक अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जा घुटा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बी आर चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह वक्त और हमराज जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की, की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनेश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म

1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुबाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से में ला दिया मदर इंडिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर उन्नीस मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर उन्नीस में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जय किशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म के उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस रही है ये एक मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ की ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमानाथ और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमानाथ की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जौहरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियां उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेलानियों के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री पाशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा है कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जीप रहमान रतन के रूप में है पी के राज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर रात जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तो उसको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से नया लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का साबा गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ और 25 मई 2005 में इनका निधन हुआ है ये एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका असली नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रांत की जीवन साथी नरगिस सिंह की जिनसे इन्होंने 1958 में विवाह किया था और मृत्यु 1981 में हुई थी इनके तीन बच्चे हैं जिसमें संजीता तो प्रिया दत्त भी शामिल हैं रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिम मुंबई में है अल्मा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही हैं पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से घोषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जागुठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह शहीद के सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा प्राण प्रजाय प्रवचन न जाय नागिन जानी दुश्मन मुकाबला ओर शान शामिल हैं उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के बूसैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुरेंद्र दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द झेलम जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़कने लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वे अपनी माँ कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रातः चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया <laughs> और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन में नौकरी की उन्होंने उन्नीस के इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते करते हैं इनके प्रारंभिक के विषय में रेडियो की शुरुआत समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन के हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज सहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीम नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के मेकिंग के मेकिंग दौरान सेट पर आग लग शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई आ, दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे दद 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे ने अपनी नई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बीएल चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह वक्त और हमरा जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनेश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन कामित का, का निर्माण किया जहाँ सोमदत्तर उन्नीस सौ 1970 के दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर रुका हुआ था और एक असफलता के बीच में उन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर के फिल्म ज्वाला में मधुबाला के नायक की भूमिका निभाई जो एक विलंबित फिल्म थी जिसका निर्माण 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुवाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से में लादिया मदर इंडिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर 1966 मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर उन्नीस में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस सौ छिया मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म ये फिल्म आधारित है यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ की ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमानाथ और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमानाथ की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोहरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री प्रशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा हैं कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जी रहमान रतन रूप के, के रूप में है पी कैलाश वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर रात जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत है आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तुझको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से ही नहीं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सातवा गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ 25 मई 2005 में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराज्य में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरगिस जिनसे इन्होंने में विवाह किया था और मृत्यु उन्नीस में हुई थी इनके तीन बच्चे जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल है रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है आलमा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जागरूठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह सही कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा प्राण जाए पर वचन न जाए नागिन जानी दुश्मन मुकाबला ओ शान शामिल है उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के बूसैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रातः चले गए स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया <laughs> और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन्स में नौकरी की उन्होंने उन्नीस तो के इतिहास में बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन की हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज के 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 नाम के साथ नाम साथ टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीन नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के मेकिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी ऐसा माना जाता है कि दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए भी का सामना किया और इस तरह उनका प्यार उन्नीस सौ अट्ठान में शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे तब 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक केऊ ने अपनी नई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बी आर चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह वक्त और हमरा जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनीश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन का, का निर्माण किया जहां उन्होंने अपने भाई दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर रुका हुआ था और असफलता के बीच में उन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर की फिल्म ज्वाला में मधुबाला के नायक की भूमिका निभाई जो एक विलंबित फिल्म थी जिसका निर्माण 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुबाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से में ला दिया मदरी ने। और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर 1966 मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जय किशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा है फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस रही है ये एक सौ मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ अट्ठाइस ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमा नाग और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमा नाग की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेलानियों के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री पाशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा है कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जी रहमान रतन के रूप में है पी के राज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तो उसको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से नया लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सात गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ और 25 मई 2005 में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ है ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राजनीतिज्ञ दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था की जीवन साथी नरगिस जिसकी जिनसे इन्होंने उन्नीस में विवाह किया था और मृत्यु 1981 में हुई थी इनके तीन बच्चे जिसमें संजीता दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल हैं रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है आलमा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही है पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जागुठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह सही कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा प्राण प्रजाय प्रवचन न जाय नागिन जानी दुश्मन मुकाबला ओ शान शामिल है उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के बूसैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुरेंद्र दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द जिला पंजाब प्रांत में ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़कने लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुना नगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो अब हरियाणा का एक जिला है बाद में वे अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रातः चले गए स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन में नौकरी की उन्होंने उन्नीस के इतिहास में बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते करते हैं इनके प्रारंभिक के विषय में रेडियो की शुरुआत समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन के हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज शाहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीम नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल

द 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे उन्होंने अपनी नई सफल फिल्मों में ही अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बी आर के साथ उनका सहयोग गुमराह वक्त और हमराज जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे। दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनेश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन कामित का, का निर्माण किया जहाँ सोमदत्तर उन्नीस सौ 1970 के दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर रुका हुआ था और एक असफलता के बीच में उन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर के फिल्म ज्वाला में मधुबाला के नायक की भूमिका निभाई जो एक विलंबित फिल्म थी जिसका निर्माण 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुबाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से सुर्खियों में ला दिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर 1966 मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जय किशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस रही है ये एक मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ के ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमानाथ और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमानाथ की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेलानियों के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजहान के रूप में मीनू मुमताज़ है बद्री प्रशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा हैं कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जीप रहमान रतन के रूप में है पी के इलाज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर रात जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत है आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तुझको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सातवा गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ 25 मई 2005 में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राजनीति दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरगिस जिनसे उन्नीस सौ में विवाह किया था और मृत्यु उन्नीस में हुई थी इनके तीन बच्चे जिसमें संजय दत्त तो और प्रिया दत्त भी शामिल है रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है आलमा बेटा से जय हिंद कॉलेज में रही पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जागरुठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह सही कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा प्राण प्रजाय प्रवचन न जाय नागिन जानी दुश्मन मुकाबला और शान शामिल है उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पांच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के बूसैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द झीलम जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक उसीनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़कने लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वे अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रातः चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के, के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन्स में नौकरी की उन्होंने उन्नीस तो के इतिहास में बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशंस रेडियो सैलोन के हिंदी सीमा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज सहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीन नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के मेकिंग के दौरान सेट पर आग लग शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई आ, दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे दस 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे ने अपनी नई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बियर चोपनक के साथ उनका सहयोग गुनाह वक्त और हमरा जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनीश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन कामित का, का निर्माण किया जहां जहाँ उन्नीस सौ 1970 के दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर रुका हुआ था और असफलता के बीच में उन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर के फिल्म ज्वाला में मधुबाला के नायक की भूमिका निभाई जो एक विलंबित फिल्म थी जिसका निर्माण 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुवाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से में ला दिया मदर इंडिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर उन्नीस मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर उन्नीस में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जय किशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म के रिलीज की तारीख उन्नीस रही है ये एक सौ मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ की ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमा और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमानाथ की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोहरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री पाशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा हैं कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जेब रहमान रतन के रूप में है पी के राज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत है आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तुझको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से नया लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सात गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ और 25 मई 2005 में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन समूह प्रताप चिराजी में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राष्ट्रीय नीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रांत की जीवन साथी नरगिस जिस जिनसे इन्होंने 1958 में विवाह किया था और मृत्यु 1981 में हुई थी इनके तीन बच्चे हैं जिसमें संजीता तो प्रिया दत्त भी शामिल है रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है अल्मा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही हैं पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही है इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जागरुठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह शहीद के सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा प्रजाय प्रवचन न जाए नागिन जानी दुश्मन मुकाबला ओ शान शामिल है उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के पूर्व सैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा बिड़मने लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वह अपनी माँ कुलवंती देवी देवीदत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रातः चले गए स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया <laughs> और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन में नौकरी की उन्होंने उन्नीस के इतिहास में बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन की हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज शाहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीम नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के मेकिंग के मेकिंग दौरान सेट पर आग लग शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई आ, दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे दद 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे ने अपनी नई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बियर चुपनक के साथ उनका सहयोग गुमराह वक्त और हमरा जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ चौसठ की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनेश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन कामित का, का निर्माण किया जहाँ सोमदत्तर उन्नीस सौ 1970 के दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर रुका हुआ था और एक असफलता के बीच में उन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर की फिल्म ज्वाला में मधुबाला के नायक की भूमिका निभाई जो एक विलंबित फिल्म थी जिसका निर्माण 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुबाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से में लादिया मदर इंडिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर उन्नीस मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस रही है ये एक सौ मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस के ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमा और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार सहली जीते हैं रमा नाग की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमा नाग ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपने चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेलानी के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजहान के रूप में मीनू मुमताज़ है बद्री प्रशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा हैं कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जीब रहमान रतन रूप के, के रूप में है पी कैलाज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत है आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तो उसको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सातवे गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ और 25 मई 2005 में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराज में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म छः जून उन्नीस सौ उनतीस को हुआ ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु पच्चीस मई सन दो हज़ार पाँच में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राजनीतिज्ञ दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिनसे उन्नीस सौ में विवाह किया था और मृत्यु उन्नीस में हुई थी इनके तीन बच्चे जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल है रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है आलमा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही हैं पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जाग उठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह सही कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा जाए पर वचन न जाए नागिन जानी दुश्मन मुकाबला और शान शामिल है 1968 में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के बूसैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब तक पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा बिड़ लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव बंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वे अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्हें स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया <laughs> और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन्स में नौकरी की उन्होंने उन्नीस तो के इतिहास में बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन के हिंदी सीमा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिर रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज सहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीम नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के के मेकिंग दौरान पर आग लग शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई आ, दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे दत 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे उन्होंने अपनी नई सफल फिल्मों में ही अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जा घुटा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बी आर चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह और हमराज जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनीश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन कामित का निर्माण किया जहां उन्होंने अपने भाई पर दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर रुका हुआ था और एक असफलता के बीच में उन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर के फिल्म ज्वाला में मधुबाला के नायक की भूमिका निभाई जो एक विलंबित फिल्म थी जिसका निर्माण 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुवाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से में ला दिया मदर इंडिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर उन्नीस मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर उन्नीस में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जय किशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस सौ छियासठ रही है ये एक सौ उनहत्तर मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ की ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमा और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमा की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री पाशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा हैं कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जी रहमान रतन के रूप में है पी के राज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर रात जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तो उसको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से नया लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सात गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ 25 मई 2005 में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म छः जून उन्नीस सौ उनतीस को हुआ है ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु पच्चीस मई सन दो हज़ार पाँच में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राष्ट्रीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रांत की जीवन साथी नरगिस जिस की जिनसे इन्होंने 1958 में विवाह किया था मृत्यु 1981 में हुई थी इनके तीन बच्चे हैं जिसमें संजीता तो प्रिया दत्त भी शामिल हैं रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है अल्मा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही हैं पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जाग उठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह सहीद के सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा जाए पर वचन न जाए नागिन जानी दुश्मन मुकाबला और शान शामिल है उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के पूर्व सैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म 6 जून उन्नीस को नक्का खुर्द जिला पंजाब प्रांत में ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बल बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा बिड़ लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वे अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रांत चले गए स्नातक स्तर की पढ़ाई के, के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्हें स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन्स में नौकरी की उन्होंने उन्नीस तो के इतिहास में बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलून के हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिर रेलवे प्लेटफॉर्म के ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निदेशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज शाहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीम नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टार नाम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के मेकिंग के मेकिंग दौरान पर आग लग शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे द 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे उन्होंने अपनी नई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बी आर चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह वक्त और हमरा जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे। दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनेश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म

1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुबाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से सुर्खियों में लादिया मदर इंडिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर उन्नीस मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जय किशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते हैं उनके निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म के उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म के रिलीज की तारीख उन्नीस रही है ये एक मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ की ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमानाथ और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमानाथ की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोहरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमानाथ ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपनी चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजहान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री प्रशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा है कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जी रहमान रतन के रूप में है पी के राज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत है आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तुझको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन भर से नहीं। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सात गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ और 25 मई सन 2005 में इनका निधन हुआ है ये भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ है ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राजनीतिज्ञ दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिनसे इन्होंने उन्नीस में विवाह किया था और मृत्यु उन्नीस में हुई थी इनके तीन बच्चे जिसमें संजय दत्त तो और प्रिया दत्त भी शामिल है रिश्तेदारों में दत्त परिवार देखा गया है इनके निवास बांद्रा पश्चिमी मुंबई में है आलमा मेटर से जय हिंद कॉलेज में रही है पैसे से ये अभिनेता निर्माता निर्देशक राजनीतिज्ञ रही हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है दत्त ने 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया है जिसमें एक ही रास्ता मदर इंडिया साधना इंसान जाग उठा सुजाता मुझे जीने दो गुमराह सही कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है वक्त खानदान मेरा साया मिलन मेहरबान हमराज पड़ोसन हीरा प्राण जाए पर वचन न जाए नागिन जानी दुश्मन मुकाबला और शान शामिल है उन्नीस में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह अभिनेता संजय दत्त के पिता हैं उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में पाँच साल भारत की संसद के लिए चुने गए थे वह मनमोहन सिंह सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री थे और मुंबई के भूसैनिक भी थे आइए दोस्तों बात करते हैं सभी नेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में सुनील दत्त का जन्म जून को झीलम जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ है ये एक ब्राह्मण परिवार में बलराज दत्त के घर पिता दीवान रामनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था वे जमींदारों के परिवार से थे जब दत्त पाँच साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे अठारह वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा बढ़बढ़ने लगी थी दत्त के पिता ने एक मुस्लिम मित्र जिसका नाम याकूब था के ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया यह परिवार पूरे पंजाब के यमुनानगर जिले के स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया जो हरियाणा का एक जिला है बाद में वे अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त प्रातः चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया इसके बाद वह बॉम्बे बॉम्बे राज्य चले गए जहाँ उन्होंने स्नातक के रूप में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिविजन्स में नौकरी की उन्होंने उन्नीस तो के इतिहास में बी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके प्रारंभिक कैरियर के विषय में रेडियो की शुरुआत करते समय उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील द दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सैलोन की हिंदी सेवा के बेहद लोकप्रिय थे वह हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए चले गए और 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म पे उस उद्योग से परिचित हुए निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिर रेलवे प्लेटफॉर्म की ब्रेक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल सो की मेजबानी कर रहे थे तब उन्नीस में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को आवाज से प्रभावित होकर और उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की तत्कालीन अनुभवी अभिनेता बलराज शाहनी के नाम के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सैगल नवोदित अभिनेता के लिए नया स्कीम नाम सुनील दत्त लेकर आए जिसका असली नाम बलराज दत्त था दत्त ने उन्नीस की फिल्म मदर इंडिया के स्टारडम हासिल किया जिसमें इन्होंने नरगिस के साथ अपने गुस्मेल एंड गुस्सेल बेटे की भूमिका निभाई इस फिल्म के मेकिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी ऐसा माना जाता है कि दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए भीषण आग का सामना किया और इस तरह उनका प्यार जीत गया उन्होंने उन्नीस सौ शादी कर ली उनका एक बेटा संजय दत्त जो एक सफल फिल्म अभिनेता दो बेटियां प्रिया दत्त तो और नम्रता दत्त थी उनकी बेटी नम्रता दत्त की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई आ, दोनों ने पिता मदर इंडिया में सह कलाकार थे तब 1950 और 1960 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे ने अपनी कई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा जिनमें साधना इंसान जाग उठा है सुजाता मुझे जीने दो शामिल है खानदान मेरा साया पड़ोसन बी आर चोपड़ा के साथ उनका सहयोग गुमराह और हमराज जैसी फिल्मों में सफल साबित हुआ है उनके पसंदीदा लेखकों और दोस्तों में से एक आगा जानी कश्मीरी थे दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और उन्नीस सौ की फिल्म यादें में अभिनय करने वाले एकमात्र अभिनेता थे फिल्म को नेगेटिव फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं के लिए गिनेश बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में शामिल किया गया था बाद में उन्होंने उन्नीस की फिल्म मन कामित का, का निर्माण किया जहाँ उन्नीस सौ 1970 के दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका कैरियर रुका हुआ था और एक असफलता के बीच में उन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर के फिल्म ज्वाला में मधुबाला के नायक की भूमिका निभाई जो एक विलंबित फिल्म थी जिसका निर्माण 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और मधुवाला की आखिरी फिल्म थी यह गीता मेरा नाम थी जिसमें फिर से सुर्खियों में ला दिया मदर इंडिया और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों के लंबे अंतराल के बाद एंटी हीरो का पुनर्जन्म हुआ जोनी के का में उन्हें फिर से गबर 1966 मूवी के फैक्टर रिव्यूज गबर उन्नीस में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक जिसमें सुनील दत्त और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत सैलिन और हसरत जयपुरी के थे आइए दोस्तों बात करते फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक है ऋषिकेश मुखर्जी कृष्णा चोपड़ा यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी और अख्तर उल ईमान के संवाद पर लिखित है इस फिल्म की उत्पादकता की है हाई प्रोडक्शंस ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया सुनील दत्त साधना ने इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म की रिलीज की तारीख उन्नीस सौ रही है ये एक मिनट के कार्यकारी समय पर फिल्म आधारित है यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कहानी के विषय में ईमानदार मुंशी दयानंद उन्नीस सौ अट्ठाइस ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं और अपनी पत्नी एक बड़े आलसी बेटे रमा और दो छोटे बेटों के साथ एक गरीब परिवार शैली जीते हैं रमा नाग की पृष्ठभूमि को जाने बिना मुंशी दीनदयाल ने अपनी बेटी जापला की शादी की व्यवस्था की और वह इस परिवार के साथ रहने लगी इस शादी के लिए खरीदे गए गहनों के लिए जोरी गंगाराम को भुगतान करने में असमर्थ रमा ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए और फिर कर्ज में डूब गया जब उसने अपने चंद्रहार दिलवाया इसका भुगतान करने के लिए वह एक किलर के रूप में काम करता है शासन के लिए धन इकट्ठा करने के साथ साथ रिश्वत भी स्वीकार करता है परिस्थितियाँ उसे आठ सौ रुपये का गबन करने के लिए मजबूर करती है जिसे वह वापस करने में असमर्थ है गिरफ्तार होने के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाता है गिरफ्तार हो जाता और तभी मुक्त होगा जब वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गवाही देगा आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में रमानाथ के रूप में सुनील दत्त हैं जल्पना के रूप में साधना है जोर अजान के रूप में मीनू मुमताज है बद्री प्रशा मुंशी तैनात के रूप में ये जग्गो के रूप में लीला मिश्रा है देवी दीन के रूप में कन्हैया लाल है अनवर हुसैन खान के रूप में है सोएब दुबे पान की दुकान के मालिक के रूप में है रमानाथ की मां के रूप में प्रतिमा देवी है बड़े बाबू के रूप में आगा हैं कमल कपूर वकील के रूप में है जालपा के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज है जी रहमान रतन के रूप में है पी के राज वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में इस फिल्म का मुख्य गाना है मैं हर रात जागी जिसको लता मंगेशकर ने गाया है इस फिल्म का दूसरा गीत आए रे दिन सावन के जितो जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का तीसरा गीत है सजन ले जाएगा तुझको घर जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का चौथा गीत है मैंने देखा था सपनों में जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है इस फिल्म का पांचवा गीत है तुम बिन सजन लता मंगेशकर मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का छठा गीत है सोलह सिंगार करके आई सुहागरा जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है इस फिल्म का सात गीत है एहसान मेरे दिल पे तेरा है दोस्तों जिसको मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया है दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील दत्त के विषय में सुनील दत्त जिनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ 25 मई सन दो में इनका निधन हुआ है ये एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे <laughs> इनके इससे पहले ये राम जेठमालानी जिसके द्वारा सफल मधुमन सम्मो प्रताप चिराजी में रही हैं सुनील दत्त बलराज दत्त इनका जन्म 6 जून उन्नीस को हुआ है ये नक्का खुद पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में रहे हैं इनकी मृत्यु 25 मई सन 2005 में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है मृत्यु के समय इनकी आयु पिछहत्तर साल थी इनका मृत्यु का कारण दिल का दौरा था इनका राजनीतिज्ञ दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीवन साथी नरगिस जिनसे इन्होंने उन्नीस में विवाह किया था और मृत्यु उन्नीस में हुई थी इनके तीन बच्चे जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल है